हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सारे कॉफ़ी। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे अपने मोबाइल को देख सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐप के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्या वो पेड ऐप है या नहीं उसके बारे में पूरी पूरी डिस्कस करूँगा, उसके लिंक भी मैं आपको दूँगा। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सारे कॉफ़ी, ये है मेरा चैनल और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए डायरेक्टली बिना वेस्ट किए टाइम को हम चलते हैं उस ऐप के ऊपर। ये देखिए, इस ऐप का नाम है ए पावर मिरर। मैं जहाँ माउस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, उस ऐप का नाम है ए पावर मिरर, ठीक है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, आपको इस ऐप को, एक ऐप है आपके डेस्कटॉप के लिए और एक ऐप है आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, जो आपको गूगल प्ले स्टोर के लिए और एंड्रॉयड iOS जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए, ये दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर से, मैं एंड्रॉयड के बारे में बात करूँ, प्ले स्टोर से आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और सिमिलरली आपको गूगल में जाके आपको वहाँ से कोई भी मिल जाएगा, आप कोई भी साइट से आप ए पावर मिरर आप उसमें टाइप कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। मैं उसका वैसे आपको लिंक दे दूँगा। आपको क्या करना है, अब आपके पास क्या हो गया, एक ऐप जो ये ऐप है मैंने अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लिया और एक ऐप मैंने प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से, ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। तो मैं अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ और अपने पीसी को उसी से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, जैसे मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट का नाम है मेरे नाम से सादिक और मेरे भाई के नाम मदर के नाम से, मैंने उसे कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस ऐप को खोल देता हूँ। देखिए मेरा ये ऐप खुल रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा ऐप खुल गया है। अब आपको क्या करना है, वो ऐप जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, अब उसको खोलना है, ठीक है। मैंने ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खोल लिया, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर आपको उसमें एक आएगा स्कैन का, तो आप जैसे स्कैन करिएगा आपके हॉटस्पॉट से जो जो कनेक्ट है डिवाइस वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मेरे में इस आपको दिखाने लगा है तो मैंने उसको कनेक्ट किया और वहाँ पे फिर आपका ऑप्शन आता है फोन स्क्रीन मिरर और कंप्यूटर स्क्रीन मिरर। इसका मतलब है फोन स्क्रीन मिरर का आपका फोन डेस्कटॉप में दिखाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन मिरर मतलब आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन आपके फ़ोन में दिखाएगा। तो मैं पहले फ़ोन स्क्रीन रीडिंग करता हूँ। मैंने ये ऑन किया और स्टार्ट में हो गया। ये देखिए मेरा फ़ोन अब अपने मेरे डेस्कटॉप में आने लगा। ये देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन, ये देखिए दोस्तों मेरे डेस्कटॉप में आप आने लगा। तो ये देखिए दोस्तों मैं जहाँ पे पॉइंट करूँगा वहीं पर, ये देखिए यही वो ऐप है जो मैंने एक और मेरा जिससे मिलेगी। ये देखिए ये मेरे डेस्कटॉप का ऐप और ये मेरा फ़ोन मैप, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। ये प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, मैं उसका डेस्कटॉप मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, मैंने बस अपने एंड्रॉइड अपने से ऑन किया था और क्या कहता है, ये देखिए ये स्कैन करता है, ये रीचेक मैं इसे ऐसे करता हूँ कि ये स्कैन करता है। तो आपके हॉटस्पॉट से जो जो डिवाइस कनेक्टेड रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है दोस्तों। आपको सिंपली उसमें क्या करना है, सिंपली वो जो डिवाइस दिखा देगा आपको उसको कनेक्ट करना है। जैसे मेरे ये ए पासवर्ड यूज़र है तो मैंने इसे क्लिक किया था, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया था। दोस्तों आप इसमें कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आप इसमें गेम खेलना चाहें गेम खेल सकते हैं, फ़ोटो देखना चाहें फ़ोटो देख सकते हैं। ये बेसिकली आप इसमें कैमरा भी ऑन करना चाहें तो आप कैमरा भी ऑन करके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अगर मैं अपने डेस्कटॉप को अगर दिखाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल कितना अच्छा है। ये देखिए आप अपने फ़ोन से कैमरा को कर रहे हैं पर ये आपके डेस्कटॉप में उसे दिखा रहा था दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्या इसमें आप गेम खेल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं, आप अपने मोबाइल में गेम खेलेंगे लेकिन आप अपने स्क्रीन में देखिए बड़ा सा और अपने मोबाइल से कंट्रोल कीजिए। जैसे मैंने टेम्पल रन गेम को स्टार्ट किया है, अब मैं क्या करूँगा अपने बस मोबाइल से इसे हैंडल करूँगा और इस गेम अपने स्क्रीन में खेलूँगा। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने गेम को एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये सच में चलता है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े से स्क्रीन में अपने पीसी में देख रहा हूँ, फ़ोन से बस कंट्रोल कर रहा हूँ बिना देखे उसे। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा है। तो इसमें आप दोस्तों आप इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उन यूट्यूबर्स के लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि अपने वीडियोज़ में कुछ नया लाए कुछ नया दिखाएं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप YouTube में आपके सब्सक्रिप्शन को और वीडियोस के लाइक को और वॉच आवर टाइम को भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है और उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये भी उनके लिए एक नया ऐप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या ये पेड ऐप है। तो दोस्तों हाँ ये पेड ऐप है। तो क्या मैंने अभी पे किया आपको ये दिखाने के लिए, नहीं, ये जो आप हाफ स्क्रीन दिख रहे हैं वीडियो ये अनपेड है,
ठीक है, ये फ्री में आपको मिलेगा, आप जब इसे डाउनलोड कीजिएगा तो ये फ्री में आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं आपके नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये फुल स्क्रीन आना चाहिए, जो मैं करूँ तो ये पूरा फुल स्क्रीन में दिखाए, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए पे करना पड़ेगा, ये देखिए आपके लिए VIP अकाउंट है, ये आपको बायनॉम में जाके करना पड़ेगा और ये फ्री अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने अभी गेस्ट से लॉगिन करके रखा हुआ है, तो आपको गेस्ट में जाइएगा तो आपको यही मिलेगा। तो ये फ्री में भी बहुत अच्छा है, अगर आपको फ्री में भी इतना कुछ मिल जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं इसका लिंक अब आपको दे दूंगा, ईपावर मिरर का। बस आपको क्या करना है, आपको फ़ोन में तो प्ले स्टोर में डायरेक्ट आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ईपावर मिरर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने डेस्कटॉप में जो डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं दे दूंगा। वो आप फिर क्या करना है उसके बाद, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से या अपने डेस्कटॉप के हॉटस्पॉट से, मतलब एक हॉटस्पॉट होना चाहिए जिससे दो डिवाइस कनेक्ट रहना चाहिए, तब सिमिलर हॉटस्पॉट सिमिलर नेटवर्क से दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब आपको उस मोबाइल में जाके ईपावर मिरर के ऐप को खोलना है और सर्च मारना है, फिर आपको जो डेस्कटॉप जो डिवाइस कनेक्ट रहेगा उसको क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रीन मतलब स्क्रीनिंग में क्लिक करना है तो उसका स्क्रीन आपका शेयर होने लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा। इसके लिए इस वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।